सकाईच सनवारा टोल प्लाजा। वाइन शॉप लोकेशन है जाबली, बहुत ही होटल है होटल आशीष और कैनबुट रिजॉर्ट भी है यहाँ पे। रोज 8 रूम स्टे 3 BHK 2 BHK। ये है गाइस कौन सी फैक्ट्री? कॉस्मो फैक्ट्री। पंजाबी रसोई गाइस फेमस इसर स्वीट स्पेशल कुल्फी, बहुत ही फेमस है। अच्छे आ रहे साइड में, क्या व्यू है। कालका रेलवे लाइन की 10 नंबर टनल। ये रहा दोस्तों चक्की मोड़, बरसात के मौसम में रोड यहीं पे पूरा ब्लॉक हो गया था जिससे कि ट्रैफिक बहुत समय के लिए रुक गया। ये रहा सामने चक्की मोड़ पूरा ही आ गया था ऊपर से ना। आई लव हिमाचल। गाइस TTR टिम्बर ट्रेल, चलो चलो आगे से देखेगा। ये रही सामने एक ट्रॉली, एक ही है ना अभी, एक ही दिख रही है। ऊपर वाला कहाँ गया सर? रोड ऊपर वाला चला गया लिंक परवाणु के लिए। नीचे वाला है चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा, दिल्ली, जहाँ मर्जी जाओ। अच्छा एप्पल मंडी है आगे। वाह 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 वाह, व्यू देखो यार कितना बढ़िया बना। ये सेम मंडी भी आने वाली है और टर्मिनल मार्केट परमाणु। निट्टू भाई बता रहे कि थोड़ा नीचे जाके है और ये रही एप्पल मंडी। अब हम पहुंच चुके हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, एंट्री हो चुकी है हमारी। रोमिंग का मैसेज आ गया है तब जाके पता चला। वेलकम टू हरियाणा स्टेट। हाईवे बहुत अच्छा बनाया हुआ है, चमचमाता है। दूर दूर तक साफ।
गाइस झील जो सामने दिख रही है आपको ठीक पिंजोर चौक के नीचे है, काफी दूर है, जाएंगे कभी। बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं भाई, कमेंट्री अच्छी कर रहे हैं भाई लोग। अभी लोकेशन पहुंचने के लिए हमें लगेंगे 15 से 20 मिनट जी। चमन उस्ताद, इतना टाइम लगेगा जी? ओके ओके सर, लगेगा। अभी हम सूरजपुर के पास पहुंचे। सूरजपुर सूरजपुर के पास पहुंचे हुए अभी हम, और धुंध धुंध बहुत है हरियाणा में, हिमाचल में तो साफ दिखता है। टोल प्लाजा 500 मीटर अहेड अभी पहुंचने वाले हैं, 500 मीटर रह गया। कौन सा वाला आएगा ये अपना? चंडी मंदिर वाला। चंडी मंदिर, ओके। हम टोल प्लाजा कौन सा बताया था, भूल गया मैं नाम। चंडी मंदिर हिमालयन एक्सप्रेस, स्पीड ब्रेकर था, लाइन में लगना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, जिसमें एक्स बना हुआ मतलब उसमें नहीं जा सकते ना, वो बंद है। ग्रीन वाले में, ग्रीन वाले में एंट्री है। ट्रक की लेन वही रहती है बड़े व्हीकल वाली? अच्छा, ट्रक बस हैवी व्हीकल के लिए ने वाली होगी, लाइट के लिए एक ही चला रखी अभी तो इन्होंने। बस वगैरह की लेते हैं कि नहीं? अच्छा, बस के लगे होते हैं। अलग से लगता है, ये ना हो ना कि लगा ₹75 लगे हमारे, उसे लगे थे ₹44। अच्छा, तो इससे कटते हैं ऑटोमेटिक? वो ऑटोमेटिक इससे कटते हैं, तो हम बैलेंस में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को ये वाला तो मैसेज, तो ऑटोमेटिक पकड़ता है ये चीज़ कैसे? वो नंबर से? ऑटोमेटिक कैमरे से। अच्छा, कैमरे से, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ₹70 और लगने हैं। यहाँ कम लगे, अलग अलग है, कई जगह तो महंगे महंगे ₹150। एक बार हम वर्क से लेके आए थे, उसमें तो दिया था ना हमने, उसमें नहीं लगा हुआ। वेलकम टू JP, हमारी गाड़ी का नंबर आ गया है। JBP पैसे कट चुके हैं और दरवाजा खुल चुका है। आज के हमारे उस्ताद जी है चमन उस्ताद जी, ड्राइव कर रहे हैं अभी, और साथ में हमारे निट्टू भाई, सीनियर इलेक्ट्रिशियन निट्टू भाई। दिखाएंगे आपको अगली बार, अभी थोड़ा जल्दी में है तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट ले रहे हैं। अगली बार प्रॉपर व्यू दिखाए जाएंगे आपको, बने रहना ब्लॉग में, थैंक यू। तो आगे स्ट्रेट है सर दिल्ली के लिए, और राइट साइड चंडीगढ़। तो हमने राइट साइड मुड़ना है उस्ताद जी, तो हमने मुड़ना है राइट साइड चंडीगढ़ के लिए, और आगे स्ट्रेट जो है दिल्ली का रास्ता है। जाम बहुत लगा हुआ यहाँ पे, ट्रैफिक जाम है। राइट टर्न करके जा रहे हैं चंडीगढ़ की साइड, और आगे HRTC भी जा रही है, और HRTC वोल्वो भी लगी हुई है। एक दूसरी स्टेट में अपनी स्टेट की बस देखने का नज़ारा ही कुछ और है, क्यों है अलग ही लुक आती है HRTC की ना। ये देखो, ये लगी हुई है HRTC बोलो, हिमसुता, शिमला दिल्ली है, खाना खाने के लिए रुकी है शायद। आगे ऑर्डिनरी बस भी जा रही थी, लेकिन रगड़े में निकले जा रहा बंदा भाई, बहुत आगे निकल गई। तो अभी लेफ्ट हो गए हम, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, गड़बड़ी लग रहा मुझे मामला। पंचकुला 17 के लिए जा रहे हैं ना, पंचकुला 17 के लिए। ये रास्ता यहाँ से? यस, यहीं से मुड़ जाते हैं। वो से रास्ता तो कहीं से बन सकता, आगे मणिमादरा जाएंगे, मणिमादरा से आगे अपना हरसिंग बोर्ड आएगा, वहाँ से मुड़ सकते हैं, और यहाँ से भी जा सकते हैं। रास्ते बहुत से कैसे जा रहे हैं,
पहली बार आ रहा ना, मेरे को नहीं पता। अच्छा पानी है, पानी है सर? आप बोले पानी नहीं है यार, खुला पानी पियो। कितना पीना है आपने? श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 6 पंचकूला। सारे सेक्टर के बोर्ड लगे हुए, अभी कहाँ क्या है, मेन मेन जो है स्टेशन या कुछ टेम्पल टूम्पल जो भी है, जानकारी सारी है। नाडा साहिब यमुना नगर। अच्छा लेफ्ट में है, ओके। अच्छा राइट में मुड़ना है, अच्छा गोले में राइट में मुड़ना है, गोल चक्कर लेफ्ट साइड चले गए आपका नाडा साहिब यमुना नगर के लिए। ये रहा, अभी हमने जाना है राइट। यहाँ हेलमेट अलाउड नहीं है क्या? ट्रिपल में ही चले हुए, ट्रिपल राइडिंग, नो हेलमेट। लड़कियां भी बिना हेलमेट के उनला ही इधर प्रोग्राम। बहुत अच्छा है वैसे बनाया हुआ ना। ये पेड़ किस चीज के बीच में जो लगे हुए भाई? ये हमारे गांव में खजूर जैसे पेड़, खजूर जैसे ना, लेकिन इसमें है नहीं खजूर वाले, नहीं है ये, कुछ अलग ही है ये, लेकिन है ये सोके से अच्छे लग रहे हैं देखने में, वेरी ब्यूटीफुल। बातचीत हो जाए उस्ताद जी, कैसा लग रहा है पंचकूला पहुंच के? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और निट भाई आपको? और यहाँ पे अक्टूबर के महीने में भी अभी गर्मी लग रही है। निट भाई बताएं, बढ़िया लग रहा है घूमने में? अच्छा लग रहा है। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस के लिए रास्ता दीजिए। एम्बुलेंस निकल चुकी है और हमारी लाइट भी ग्रीन हो चुकी है। सरदार जी खड़े, पुलिस वाले लेफ्ट साइड, रामलीला दशहरा ग्राउंड। कहाँ पे ये मॉल है? ये है मॉल शालीमार, बना हुआ नहीं देखा नहीं, पर यहाँ पे ऑटो कुछ अलग ही टाइप के, बाइक टाइप के नहीं देखे मैंने। ये कौन सा चौक है? ये लग रहा है श्री कृष्ण चौक, श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई ना, जो की मुख्य दशहरा उत्सव कृष्णा चौक। हाँ यस, नीतू भाई बोल रहे कृष्णा चौक तो कृष्णा चौक ही है, लेकिन इतने चौक गोल गोल घूम रहे मेरा तो दिमाग ही घूम गया। 15, 16, 17, अच्छा तीनों इसमें पड़ेंगे। रेलवे स्टेशन के लिए जाता है, रेलवे स्टेशन के लिए भी रास्ता जाता है, ये जाता है। ओके ओके, पंचकूला की तरफ से चंडीगढ़ की तरफ से वो दूसरा रास्ता है। दो तीन बार आऊंगा तभी पता लगेगा, नहीं तो मैं तो एक बार आ गया तो इधर ही घूमना मैंने गोल गोल ही होता है, फर्स्ट टाइम नहीं लगेगा बंदे को पता, दूसरी बार भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। फिर से रेड लाइट, फिर से ब्रेक, अब लेकिन हो गई ग्रीन, जल्दी ग्रीन हो गई। और ये जा रही पंजाब रोडवेज, अच्छा ये लगा हुआ मुख्य दशहरा उत्सव परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकूला। साफ सुथरी सिटी लग रही है, अच्छा क्लाइमेट है। चक्कर आ चुका है, चक्कर पे चक्कर। ये कौन सा चौक होगा अब? ये है आई लव पंचकूला, आई लव पंचकूला चौक। ये हाउसिंग बोर्ड के दूसरा वाला है। ये है शहीद मेजर संदीप कुमार चौक। हम पहुंच गए पंचकूला 17 में, पंचकूला 17 सेक्टर 17। दिवाली की तैयारियां भी चल रही है, दशहरे की तैयारियां चल रही है अभी तो। और लेफ्ट में मुड़ के फिर कौन सा 17 आ जाएगा? 17 ही नेक्स्ट टाइम। और लेफ्ट में मुड़ चुके हम, अब जाएंगे हम 30 नंबर कॉटेज। 30 नंबर कॉटेज बोर्ड लगा होगा उसका? बोर्ड लगा होगा। अब तैयारी है 30 नंबर कॉटेज में जाने की। ये तो 20 में चले गए सर, 20 से पीछे तो
आगे आएगा अभी। अच्छा आगे आएगा अभी, बहुत ही अंदर जाके है, इतना अंदर तो कभी नहीं गया। फ्लैट बड़े अच्छे बने हुए हैं, स्वागत होगा अंदर फूल मालाओं के साथ। जैसा स्वागत आपने कभी नहीं देखा होगा वैसा स्वागत होगा। सही बात है। तो भाई साहब कैसा लग रहा है चाय पकौड़े खा के? सॉरी चाय समोसा, चाय समोसा। समोसा तो 1 किलो का लग रहा है पूरा है, एक बहुत ज्यादा है, एक ही बहुत है। कीटो से तो कम ही निकलेगा वैसे लग रहा है। वाह चलो एंजॉय करो फिर। चीयर्स। ये है भाई व्यू फ्रॉम होम। ये है टेरिस। नीचे वाला टेरिस। चाबी मेरे चमन भाई के पास होती है, वो नहीं वो अलवारी की चाबी है ना हमारे पास। इस टाइम 7 और अभी हम वापसी विदाई का टाइम आ चुका है। हाँ और विदाई का टाइम है, इस टाइम निकल चुके हैं हम। नेशनल फ्लैग की तरह लाइट्स लगी हुई है 4 लेन में, एकदम अच्छी लग रही। भाई साहब ऐसी जगह फंस गए कोई पता लग रहा है कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है कि सीधा जाना है कि राइट जाना है, कोई पता ही नहीं है भाई। देखते हैं आगे चलते क्या होता है। जो भी चौक आ रहा है जैसे ही नजर आ रहा है, एक ही जैसा चौक लग रहा है, चौकम चौक हो गया काम। सब ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं, लगता है सुबह ही निकल पाएंगे। नाइट मेरे को लग रहा है यही लगेगी आज। लो एम्बुलेंस भी फंस चुकी है, कहीं पे तो पल्ली साइड जा रही है। कृष्णा चौक पे दोबारा पहुंच गए हम। भाई सब लाइन से बाहर जा रहे हैं, क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। गीता चौक, कृष्णा चौक नहीं, गलत बताया था हमने आपको, ये है गीता चौक। माफ कौन सा सर, ये वाला? जी जी
तो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर सेक्टर 7-6 चंडीगढ़ शिमला कालका। हम जा रहे हैं वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा है। लेफ्ट राइट ही घूमते ना रात भर तो एक और चौक आ चुका है यहाँ पे भी। अभी टाइम है 30 सेकंड, पूरा दिन भी घूमता रहेगा तब भी वो सही ढंग से घर नहीं पहुँच पाएगा। थर्ड अभी हमें यहाँ 25 सेकंड और रुकना पड़ेगा। शोरूम चिवास का शोरूम है सामने। तो भाई साहब चिवास के शोरूम से हम निकल चुके हैं शॉपिंग करके। उस्ताद ने गाड़ी ठीक ठाक पेल दी। अभी हम 150 से ऊपर स्पीड में, थोड़ी देर में स्वर्ग में मिलेंगे हम, जल्द ही ऊपर मीटिंग होगी। नरक में स्वर्ग में जाएंगे। हमारी बस उत्तराखंड परिवहन की बस है, हम साथ साथ ही निकले। रूपेड़िया हरिद्वार शिमला उत्तराखंड परिवहन डिपो की बस है ये, हरिद्वार डिपो की बस। डाउन कर दो यार भगवान। ये है मैजिक ऑफ आइस, ब्यूटीफुल मॉल। तो फाइनली भाई लोग पहुंच चुके हैं हम हैप्पी एंडिंग होम। घर पहुंच चुके हैं, घर पहुंचने की बहुत खुशी। स्वागत करो बेटा, माला मुला लाओ। yes, yes.